पौड़ी के एक ठेकेदार सुशील चंद्र जोशी ने जल निगम के अभियंता पर बकाया भुगतान के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाया, जिसे लेकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं सुशील चंद्र जोशी का कहना है कि उनके किए गए कार्य की बकाया धनराशि लेने के लिए उनको विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और जब उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता आर सी मिश्रा से मुलाकात की तो अभियंता ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें कमरे में बंद कर दिया। साथ ही ठेकेदार से 5 लाख रुपए की मोटी रकम मांगी गई। पौड़ी से संवाददाता मुकेश पछेती की रिपोर्ट। ये है कि कुछ पेमेंट का मामला था, जिसके चक्कर में मैं श्री आर सी मिश्रा को मिलने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अभद्रता की। 1.5 घंटे मुझे, क्योंकि मैं कई बार उस पेमेंट के प्रकरण में जा चुका था, लेकिन इनका जो है व्यवहार जो है, मतलब पैसे की मांग की गई इनकी, जिसके चक्कर में जो है ये सारा 6 महीने से लटका हुआ है। इन्होंने एक एडवांस चेक काटा था, जिसके अगेंस्ट मैंने 6 महीने पहले पंप लगा दिया था, लेकिन उस पंप का पेमेंट इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया मुझे।